हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ए मे रसोई में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बचे हुए चावलों के पकौड़ों की रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम बनाना शुरू कर लेते हैं। जे लिया है मैंने एक कटोरी चावल। चावल जी मेरे रात के बचे हुए चावल हैं। क्या जब कभी कभार हमारे चावल बच जाते हैं तो कोई उन्हें खाता नहीं है, हमारे चावल वेस्ट हो जाते हैं। तो इन चावलों के हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी से पकौड़े। तो चावलों को लेंगे हम एक मिक्सी जार में, हमें ऐड कर लेना है। अब साथ ही में लेंगे हम जो 2 चम्मच दही। दही से हमारे चावलों के जो पकौड़े बनते हैं उनका टेस्ट डबल हो जाता है। इन्हें हमें हल्का सा दरदरासा में पीस लेना है। बस इस तरीके से हमें पीसना है, हमें ज़्यादा महीन नहीं करना है। अब लेंगे हम मिक्सी जार में से निकाल कर हम बाउल में ऐड कर लेना है। अब डालेंगे हम 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 3 से 4 डालेंगे हम जी हरी मिर्च को बारीक काट लिया है मैंने, और कुछ डालेंगे ताज़ा हरा धनिया को। अब डालेंगे हम 1 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार डालना है हमें नमक को। अब लिया है जी मैंने बेसन। बेसन को हम लेंगे और इसमें हम ऐड कर लेते हैं, हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना हम बेसन को ऐड कर लेना है, हमें अच्छे से मिला लेना है सबको। देखिए मैंने सबको अच्छे से मिला लिया। बस हमें इस तरीके से हमें चाहिए पकौड़ों का डो। अब इन्हें हम साइड में रख लेते हैं। जी फ्राई करने के लिए रखा है मैंने तेल, गर्म होने के लिए तेल से बढ़िया से गर्म कर लेते हैं। तेल वो हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इस डो में से हम उठाएंगे इस तरीके से। आपको पकौड़े जितने छोटे बड़े पसंद हो वो कढ़ाई में हम डिप करते जाएंगे। सारे पकौड़ों को मैंने डिप कर दिया है, आप देख सकते हो। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखकर हमें अच्छे से इन्हें अच्छा सा कलर आने तक हमें सेक लेना है। और गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है, मुझे 3 से 4 मिनट पकौड़ों को फ्राई करने में लगा हुआ है। देखिए बढ़िया सा कलर आ गया, बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े हमारे बन के तैयार हुए हैं। अब सारे पकौड़ों को लेना है हमें, निकाल लेना है। देखिए देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही कलरफुल हमारे पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। आप एक बार जरूर बनाइएगा इस तरीके के। देखिए सारे पकौड़े मैंने निकाल लिए हैं। लीजिए गर्मा गर्म हमारे बचे हुए चावल के पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं। लीजिए आप सारे सर्व करें हरी चटनी या रेड चटनी के साथ, सबको बहुत ही पसंद आएंगे। आप एक बार जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।